हेलो, तुम देर से आई हो। पूरा एक मिनट। खैर, मैं माजरा चाहती हूँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। दोबारा ऐसा ना हो, चलो। वक्त का बहुत ज्यादा पाबंद होना बहुत परेशान कुन नहीं है? पता नहीं किसका गुस्सा वो तुम पर निकाल रहा है, प्लीज नाराज मत होना। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आदम कैसा है? आदम? मेरे ख्याल से ठीक है। ख्याल है? हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? हम दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं चल सका हमारा रिश्ता। मैं दुआ करूंगी उसके लिए। आदम अच्छा लड़का था लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। हाँ ठीक कहा, वो एक अच्छा दोस्त ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। कैसे, क्या आप अपने एक्सेस के साथ दोस्त रह सकते हैं चाहे रिलेशन थोड़े दिन के लिए ही हो? हो सकता है, हमारे आसपास इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं। मुझसे ये कभी भी नहीं होगा। आखिर आपने वो रिश्ता एक अलग नियत के साथ शुरू किया होता है, ख्याल बार बार वहाँ जाता है। मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। जैसे दो लोग एक दूसरे को पसंद करें और फिर वो दोस्त बन जाएं, मुझे लगता है किसी एक को तो उम्मीद होती है। याद रखना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आदम को मुझसे कोई उम्मीद होगी। नहीं नहीं, मेरा ट्रस्ट करो, आदम को अभी भी उम्मीद है और इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम क्या कहते हो जान? हाँ, मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूँ जो तुम कह रही हो मेरी जान। मेरे ख्याल से अगर दो लोगों के बीच रिश्ता टूट जाए तो उन्हें कभी भी इकट्ठे नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है अक्सर, और कभी कभी तो रोज वही शक्ल देखनी पड़ती है जो आप देखना भी नहीं चाहते। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। एक बार अगर वो मुझे छोड़ के चला जाए तो मेरे अलावा कोई भी उसका चेहरा देख सकता है। मुझे खुशी है कि हम मुत्तफिक हैं इस बात पर मेरी जान। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अगर तुम अपनी एक्स को देखो, मैं जेलस होंगी। थोड़ा सा पागलपन लगता है, लेकिन क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सही कहा। किसी को आना है? नहीं आना। इसी क्या लगता है मुझे इसकी शक्ल देखने का शौक है। बात है, वाह क्या प्यार है। उस बेचारी को कुछ नहीं मालूम तुम्हारे बारे में, अफसोस। उसे जो पता होना चाहिए वो उसे पता है, फिकर ना करो। जैसे कि क्या वो ये जानती है कि तुम कितने बुजदिल हो, बताओ मुझे। ओह वो भी था, माफ कीजिएगा। वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है, कितना खुश है, लेकिन इस बात से उतनी ही अनजान कि जिससे उसकी शादी हो रही वो बुजदिल है, शादी से ही भाग जाता है। नहीं, उसको बहरहाल जानने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मैं उसे कभी मायूस नहीं करूंगा। अब ये बातें तो तुम मुझसे करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त, काफी जबान के पक्के हो तुम। लैला? क्या लैला लैला, क्या तुम कह रहे हो उस लड़की से ये बातें कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले? मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने तुम्हें कहा कि हमारी जिंदगी से चली जाओ लेकिन तुमने नहीं सुना, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों जाऊँ? हाँ तुम जाओ, चले जाओ, जो भी है, लेकिन कोई हकीकत नहीं बदल सकता कि तुम बुजदिल इंसान हो। आदम कैसा है? वो तुम्हारा जाली बॉयफ्रेंड? क्या वो अभी भी बॉस्फोरस में तरक्की कर रहा है? फाड़ में जाओ। जब जवाब नहीं देना आता तो बदतमीजी करना शुरू कर देती हो। देखो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। मुझे वहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक ही नहीं मिली जो ठंडी हो। लगता है हमें यहाँ अपना एक नया ब्रांड लॉन्च करना होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा ख्याल है। ऐसा ही है। हाँ मुझे भी यही लगता है। हाँ फिर तो मुझे जल्दी वर्किंग करनी होगी।